हेलो भाई मरुण पवार, अभी सुबह के हो रहे हैं, सुबह 8:18। मैं एक टेंट में लेटा हूँ, कार के ऊपर टेंट लगाया हुआ है, तो ये वही टेंट है। रात को मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो, हम ऐसे रूफ टॉप टेंटिंग कर रहे थे, जहाँ पे एक हमारे पास इसुजू वी क्रॉस है, हमने इसके ऊपर भी टेंट लगा रखा है, और एक है स्कॉर्पियो, इसके अंदर हम 3 लोग सोए थे। तो अभी नींद तो बहुत बढ़िया आई भाई, 12-1 बजे के लगभग हम सो गए थे शायद से, और अब 8 बजे उठे हैं। अभी जब मैं उठाऊँ तो मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा है, जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे साथ आए हैं, जो हमारे भाई हैं। अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा सबको चल के, हम किचन वगैरह सबकी ओपन है, यहाँ पे इसमें विंडो वगैरह रहती हैं। तो कोई भाई अगर सोच रहा हो कि भाई इसमें से हवा वगैरह का क्या सीन रहता है, तो भाई ऐसे यहाँ पे हम हैं ऋषिकेश के अंदर, यहाँ पे वेदर ऑलरेडी इतना ठंडा होता है कि आपको उस सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उल्टा आपको कंबल वगैरह की वो ज़रूरत पड़ जाएगी, इतना ठंडा यहाँ पे वेदर हो जाता है रात के टाइम पे। तो यहाँ पे बोन फायर वगैरह लगाए थे रात को, अभी चल के ढूंढते हैं उन लोगों को, यहाँ पे चप्पल वगैरह को नीचे उतारते हो क्योंकि इसमें आप नहीं रख सकते हो। ये स्कॉर्पियो भाई जिसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, ये रात में जो लाइटिंग वगैरह का सेटअप कराया था वो था, और ये सुजू में यहाँ पे अंदर लैंप भी लटका रखा है, फिर से इसके अंदर अभी भी एक भाई अपने सो रहे हैं। अभी मैं चल के ढूंढता हूँ भाई कहाँ गए सारे लोग, यहाँ पे रिसोर्ट है ना वन तरंग, मेरे ख्याल से यहीं चले गए होंगे। मोनू भाई तो मेरे को मिल गए। मोनू भाई क्या कर रहे हो? शेविंग आपकी दाढ़ी आई नहीं थी, आप शेविंग फिर से करने लग गई क्या? भाई किसी समय चिकना रहना पड़ेगा ना मुझे। आपको शौक है क्या चिकना रहने का? नहीं भाई, चलो और बाकी लोगों को ढूंढता हूँ। हाँ भाई वैसे देखो यहाँ जंगलों के बीच ऐसे रिजोर्ट बना रखे हैं, बहुत अच्छे। कौन? दीपक कोई है? अरे भाई दीपक भाई हमको नहीं पता था ऐसे ऐसे लोग नहाने का। वो बाथरूम दिखाता हूँ भाई, कितना आपको दिखेगा अगर आपको नहाना है। देखना गीजर वीजर लगा के और वॉश बेसिन वगैरह लगा के एकदम लग्जरी सा ही बना रखा है रिसोर्ट सा। चलो हम भी फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं और लोगों को फिर मैं पकड़ता हूँ। ये हमारे हीरो भाई, हुआ डोले यार पानी। अच्छी नींद आई आपको रात को? भाई मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आज तो नहीं करा भाई, मजा ही नहीं आ गया, पता ही नहीं चला कहाँ से है ना भाई। सही में मजा आ गया, एक बार भी आंख नहीं खुली। पूछा भी किसी ने क्या हुआ, एकदम घर जैसा आराम था। आराम तो जैसे स्लीप वेल के गद्दों पे हम घर सोते हैं। अरे पता ही नहीं चला। अच्छा मैक्सिमम 1 लाख का गद्दा बेचते हो आप स्लीप वेल का? नहीं 1.5 लाख तक का भी है। 1.5 लाख तक का आपने बेच रखा है? आप अपना खुद पर्सनली कितने लाख के पे सोते हो? मैं तो ये सो जाता हूँ, मैं तो नीचे 4-5 पे सो जाता हूँ। नोटी मोनू भाई, चलो भाई अब मिलते हैं आपको कुछ और बात। भाई ये देखो, ये मैं इन लोगों से मिलवाता हूँ, सारे लोग मेरे को मिल गए यहीं पे। मामा के कैसे हो? बढ़िया। बात है, इतनी बड़ी चीटिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये रूफ टॉप टेंटिंग क्या होती है, जंगल में रहना, सारी सुविधा तो इनको मिल रही है, देखना बिजली वॉशरूम ये सब ये यूज कर रहे हैं। दूर दूर तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं, नेचुरल जगह पे हमको नहीं, ये खड़े होकर शेविंग कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं शीशे के आगे। भाई नेचुरल एक्सपीरियंस कहाँ पे है? ये आपने सारा खराब किया माहौल। ये सब चीजें छोड़ो भाई, हमारे शेफ यहाँ पे लग गए हैं। अरे भाई साहब कितना भयंकर काटा भाई, क्या बना रहे हो? भाई हम बनाएंगे पास्ता, नॉनवेज है उनके लिए ऑमलेट। चलो थैंकफुली भाई अब खुद बना रहे हैं, रात को तो इन्होंने उन पे बनवा लिया था। अरे नहीं यार, अरे ना क्या प्लान है आज का? 9 बज गए हैं। आज का प्लान है भाई कनातल चलेंगे और वहाँ करेंगे कैंपिंग जहाँ मौसम होगा ठंडा। नहीं रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग का भी प्लान है। तो रिवर राफ्ट कब करोगे भाई? 9 तो बज गए यहीं पे, हमारे कई कैंडिडेट तो सोए पड़े हैं अब तक भी। नहीं अब हम निकल रहे हैं, अब हमारा टाइम हो गया जाने का, अब अगले स्टॉप पे चेंज करना है। अब देखो अब हमारी एक गाड़ी ये निकल चुकी है जाने के लिए, तैयार हो चुके हैं, अब दूसरी गाड़ी और आ रही है हमारी अभी निकलने के लिए। अब तो देखते हैं अब नया ठिकाना कोई अलग से, बिल्कुल एक। बहुत बढ़िया भैया, मज़ा आया, कुछ नया अलग देख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। अब आप कुछ ठंडी जगह ढूंढ रहे हैं, तो गर्मी थी आज आ गया हमारा भाई। यहाँ तो भाई कभी लद्दाख जैसी वाइब्स हैं, यहाँ देखना जहाँ से हम कल गए थे ना, बस ये है कि यहाँ पे पहाड़ों पे पेड़ है, मजा आ गया। ये तो सनरूफ से भी बड़ी कुछ, मून रूफ कुछ भी कह लो भाई ऐसा लग रहा है रियली। आप ऊपर आओगे कहोगे भाई मजा आ गया। आ जाऊँ मैं भी भाई? ये मैक्स से टायर से मैं चढ़ जाऊंगा टेंट के ऊपर भाई, लेकिन बहुत बढ़िया छत स्ट्रॉन्ग है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा आप अपनी एक्सपीरियंस साथ कर सकते हैं, सफर करते मैं कर सकता हूं यहां पे, हाँ आराम से बैठ सकते हैं यहाँ तो भाई, आराम से चिल कर भाई, सकते हैं। बिल्कुल फोटो खींचो भाई, हम लोग देखो कैसे जवाब देना कर रहे भाई, हम लोग अभी देखो कैसे बैठे हुए हैं, ऐसा मजा मैं आपको सीरियसली बताऊंगा। हम लेह लद्दाख सनरूफ वनरूफ की गाड़ी में शिमला सनरूफ को ऐसे समझते सनरूफ में से खड़े होके पता नहीं क्या महारत हासिल कर ली, लेकिन असली मजा तो ये है भाई,
ये इसुजू वीगर 15 लाख रुपए की ली थी, ये जो राहुल भाई हैं इन्होंने मात्र 15 लाख रुपए की गाड़ी ली थी, सेकंड हैंड 2017 मॉडल है ये। आज पैसे वसूल हो गए इनके और आज इन्होंने इसमें टायर बदलवा लिए 1.5 लाख रुपए के बम्पर से लेके, और टेंट वेंट लगवा लिया 55-60 हजार रुपए का टेंट वेंट सा लग जाता है फुल, मतलब मजा लेकिन ऐसे उस पर ही है केवल, जहाँ स्लो स्लो चल रही हो 10-20 की स्पीड पे, हाई स्पीड पे तो हम ही उड़ जाएंगे भाई। और गाड़ी में इसमें स्पेस बहुत है, मतलब ये गाड़ी प्रैक्टिकल बहुत है भाई, इतना सामान रख लो कुछ भी रख लो इसमें तो यार गिर जाएंगे हम तो ऐसे तो रास्ते ये नहीं था यार। अरे तो हाँ दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो भाई ऋषिकेश ये जगह जो जहाँ पे हम है ना, ये राजा जी नेशनल पार्क है, इधर बहुत कम लोग आते हैं, मतलब एक भी गाड़ी हमको नहीं दिखी है जब से कल से हम लोग आए हैं, सब लोग बार बार से वहीं से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आओगे तो आप नेचर को और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ये तो रह गई मुनु भाई आपका वजन कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे नहीं ये गजराज है, चढ़ जाएगी भाई 2.6 लीटर का डीजल इंजन। अरे क्या कर रहे हैं राहुल भाई जिंदाबाद, राहुल भाई जिंदाबाद, राहुल भाई बेइज्जती हो जाएगी ऐसे ना करो भाई चलाओ मुझे को लग रहा है इंगेज करा लगता है फोर हाई लो वगैरह, इधर तो कुछ था भी नहीं, इधर बेसिक सा था भाई, रास्ता भी नहीं मुझे भाई रास्ता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे कोई, और ये अपने स्कॉर्पियो वो रास्ता नहीं है। अरे क्या हुआ, सायरन मार रहे हैं, रुक जाओ, ये तो पता नहीं कहाँ ही लेके जा रहा हमको, नहीं भाई वापसी चलो बैक चलो राहुल भाई, अब बैक करनी पड़ रही हमको ये भाई, क्योंकि आदेश आ गए हैं भाई यहाँ से नहीं जाएंगे, देखना कितना भयंकर रास्ता आगे गई, टूट गई हाँ देखो नीचे ये देखो ये देखो कवर वहाँ पीछे एक साइड ज्यादा था ना पानी तो ये लग गया भाई, कह रहा था आराम चला हुआ मानते तो हो नहीं, पानी बिल्कुल आराम से लेनी चाहिए थी, नीचे कवर गया भाई इसका, बस ज्यादा तेज लगी है क्या, हाँ मतलब शायद कुछ डैमेज भी हो गया हो पता नहीं, इंजन लाइट भी आ गई अंदर, इंजन लाइट आ गई हाँ सही में हाँ हाँ देखो ये नीचे से टूट नीचे से गया भाई, नीचे से पूरा पूरा इंजन कवर गया पूरा, देख ये भी हिल गया, ये भी हिल गया देखो पूरा, कोई बात नहीं, अरे नहीं लेनी वैसे भी यार, नई स्कॉर्पियो लेना ना 2022 वाले की, आधा किसी उन्होंने थोड़ा आधा उन्होंने तोड़ दिया, चलो कोई नहीं अगर आगे वाटर क्रॉसिंग आएगी उसमें आराम से लेना, दिखा लेंगे इसको आराम से ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पता नहीं पहुंचने चाहिए, देख भाई एक और कोई भी और भी तोड़ के गए हैं, अरे यहां भी टूटी पड़ी, अरे हां यहां भी टूट रही है, अबे डर मत अपनी नहीं है भाई हालत भाई तो सीरियस हो गए, हालत खराब हो गई इनकी तो, मेरे को ये हो गया कि भाई आगे कैसे जाएंगे, फुल सीरियस एकदम, बात यह है कि अगर गाड़ी डैमेज हो जाए ना पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा, भाई भाई देखो कितने नकली लोग हो गए यार, क्या क्या कर रहे हो देखना, प्रैंक करते हो, देखो प्रैंक कर रहे हो, दुख है हमें किसी की तो टूटी है भाई, देखो किसी की तो टूटी है, टूटी है उसको नहीं तो कर रहे, दुख तो दुख है किसी का नुकसान हो भाई, ये ना जब हाई यहाँ पे ज्यादा पानी रहता होगा मेरे ख्याल से तब दिक्कत रहती होगी, तब ये टूटते होंगे, क्योंकि अभी तो देखो कितना क्लियर पानी है भाई एकदम, पैर भी आप देखो एक एक पत्थर दिख रहा है, तो भाई हमेशा ऐसे देख के चला करें, पत्थर पत्थर पड़े हैं तो आपका भी ऐसे नुकसान ना हो जाए, देखना कितने सारे कवर कवर टूटे हुए पड़े हैं यहाँ पे, तो हम जैसे सेफली चलाओ, मोनो भाई ड्राइवर सीट पे आए हैं, इन पे चल नहीं रही है भाई, बंद कर रहे हैं बार बार गाड़ी को, उन्होंने चलाई तो सदा पेट्रोल 700 है डीजल में क्या जाना है, देखना रिवर क्रॉस हमने कर ली, और कैसा मजा आ रहा है भाई, फील ही अलग है यहाँ की तो, मजा आ रहा है, और पाठक भाई कैसा लग रहा है, एकदम मस्त मजेदार भाई झमाझम, अभी तक तो आपका झमाझम तुमने देख लिया था मेरा मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है, तो ऐसे खड़े हो सकते हो भाई सुजू का, ये हैंडल पकड़ लो अंदर का, और भाई मोनू भाई इधर उधर इधर उधर हिलाते रहते हैं इसको, अरे हद्दे यार ये ऐसे हरकतें मत किया करो भाई, साथ प्रैंक होगा पक्का भाई, हम लोग पहाड़ छोड़ के अब अपने नेचुरल वही रास्ते पे आ चुके हैं, साइड में खेत है भाई, क्या अलग ही वाइब्स है, अभी हम लोग टहरी जा रहे हैं, टहरी डैम जो यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कुछ होते हैं, तो वहाँ पे मोनू भाई को हम खेल खिलाने वाले हैं आज, क्या खिलाओगे भाई, खेल खेल आपने खेल नहीं खेले क्या जिंदगी में, खेले बहुत है भाई, लेकिन आप कौन सा खिलाओगे नहीं पता ना, वाटर वाटर वाले वाटर स्पोर्ट्स,
ये हरियाणा वाले हर जगह ही ऐसा करते, शिमला मनाली कहीं चले जाओ, देखना आप बेइज्जती हो रही है ना खुद की। यहाँ पे आगे से ही आ रही थी भाई, क्या बोलते हैं इससे, बस हमारे मोनू भाई ने तो पहले ही साइड में दबा ली क्योंकि उनको डर बहुत लगता है। नहीं नहीं, ये तो सम्मान दो, अगले आ रहे हैं ना, रोड जाम का फायदा क्या, क्या बात, क्या बात, मोनू भाई मोनू भाई आप इतने अच्छे, ये मोनू को नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हरियाणा वाले थे, हमने भी क्या कहा हरियाणा वाले। 4:32 मोनू भाई आप अपना थोड़ा टिप्स दो, इतना अच्छा कैसा बना जाए आदमी, तो सम्मान करना चाहिए सबका। अब रास्ता तो पता के भाई, जैसे इन्होंने देखा ना कि कैमरा ऑन है, तुरंत इतने अच्छे से भाषण चालू हो जाते हैं। इतना कह रहा हूँ भाई, मैं हरियाणा का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा, मेरे पास अच्छा हरियाणा की है। पर आप तो यूपी के हो, यूपी 16 हो, इससे क्या मतलब होता है, मैं हरियाणा का हूँ यूपी का हूँ, ये मैं तो इंडियन तगड़े पॉइंट बनाने में। लेकिन मेरे पास गाड़ी अचार है तो भाई मैं कहीं जगह लगाऊंगा तो मुझे क्या हरियाणा वाले चाहते हैं। भाई हरियाणा का नाम कभी बदनाम हो ही नहीं सकता क्योंकि हम भी हरियाणा के हैं, हरियाणा का नाम आबाद रहेगा हमेशा। नहीं होना चाहिए कहीं का भी बदनाम, नहीं होना चाहिए, हम इंडियन हैं, भारत माता की जय। ये देखो भाई, जो अभी लेक्चर दे रहे लग रहे थे, सीट बेल्ट ही नहीं पहन रखी है अब जैसे ही मैंने कहा कि रुको अभी कैमरे में आपको एक्सपोज करता हूँ कि आप अब देखो भाई, अब फटाफट लगाने लगे, खोल रहे हैं बार बार मोनू भाई, ये अब कहाँ गया आपका सम्मान, कहाँ गया भाई, मैं भी उतरा था सुसु करने के लिए भाई, इतना तेज भाई, इतनी तेज भाई, देखो मैं बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, बेल्ट लगा रहा था, लेकिन आप इसे कैमरा ऑन करके बैठे हो, मैं क्या करूँगा भाई। हम बीच रास्ते में भाई, यहाँ पे हम लोगों को ये सब मिल गया, एक ऐसी मार्केट, तो हमने कहा कि यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब कौन भाई, उसमें ना थोड़ा आर्कस भी आता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमको भूख लग रही है क्योंकि भाई लंच टाइम हो गए 1:19, तो अब कौन उसको खोल के दोपहर ही में अपना खुद सेटअप करेगा, इससे अच्छा तो देखो पका पका मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं शिकंजी और फिर हम छोले कुलचे खा लेंगे यहीं कहीं बैठ के, तो क्या जरूरत है भाई। ये ऋषिकेश के स्पेशल छोले कुलचे और ये ऋषिकेश के स्पेशल हॉर्न वाली बस भागती हुई फुल स्पीड में, 100 रुपये का क्या बोर्डी रोल है इसके सामने भाई, नथिंग, जीरो। इसका फायदा पता है क्या, स्कॉर्पियो का, इसमें किचन भी है, बूट स्पेस भी, सामान भी आराम से ऊपर आ जाता है, और अगर कोई ऐसा थक जाए बंदा तो वो आराम से रेस्ट भी कर सकता है पिछली सीट पे पूरी कंफर्ट। भाई आपने मुझसे बहुत गाड़ी चलवाई है, मैं थक गया हूं, बहुत गाड़ी चलाई है आपने, बहुत ज्यादा, कल भी चलाई, आज भी चलाई है, अब हम टेरी टाइम से भाई कुल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे वो छोले कुलचे बेकार से खाए हैं, हमारे जो यहाँ पे बंदे थे उनको दिक्कतें होने लग गई हैं, वो पेट पेट तक तो पहुंचे ही नहीं, ऊपर ही रखे हैं वो, मतलब निकालने पड़ेंगे, इतने घटिया थर्ड क्लास, मैं तो देखते ही बोल दिया था उसको, थर्ड क्लास छोले कुलचे, तो भाई देख के खाओ यार, हमेशा 60 रुपए प्लेट, हाँ स्ट्रीट फूड हमेशा अच्छा नहीं होता, और पैसे भी मांग रहे 60 रुपए प्लेट मांगे हमसे। अभी हमारे स्कॉर्पियो का एक टायर पंचर भी हो गया, मतलब पहले ही पता था हमको, हवा निकल रही थी तो उसका पंचर लगवाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका इलाज कर देते हैं, तो लिम्का में डालेंगे हम, अरे भाई घनों से डाल दे ऐसे, क्या उनमें डाल रहा किस तन में, तो लिम्का में ऐसा, ओ ढक्कन लगा, पीछे 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 मुंडे में लगा, मुंडे में लगा देख, अरे शांति हो देख पागल, अरे मुंडे में लगा ना, अरे देख सब यू ही तो पीने को है माल, अरे यार रवि आप नूब हो क्या, जैसी नमक डालो जो निकले माल उसको पी जाओ, अरे मेरे आप में डाल देते हैं, आपका पेट एकदम से धन हो जाएगा फिर। पाठक भाई थोड़ा पैसा, कलरफुल वो ग्रेट, कलरफुल छोड़ो आप, ग्रेट छोड़ो, इन टायर्स को भी थोड़ा पैसा वैसा खर्च कर लो, स्प्रिंग रोल मोमोजो में खाना में लगा दोगे सारा पैसा, पैसा खत्म हो चुका है, अरुण भाई स्पॉन्सर करने वाले हैं टायर्स, आपने प्रॉमिस करा मेरे व्लॉग में, ठीक है ठीक है भाई, ये देखना गंजे कर दिए बिल्कुल टायर भाई, एकदम गंजे भाई, यहाँ पे तो पूरा लेके बैठ जाते इंतजाम। ये हम पहुंच गए भाई, जो सुबह से जिसके लिए चल रहे हैं ना, वहां पे हम फाइनली 5 बजे शाम के पहुंच ही गए हैं, इससे बोलते हैं टेहरी डैम, और ये पड़ता है ऋषिकेश से 90 किलोमीटर, देखो अभी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये लागों से, तो वहीं चल के देखते हैं भाई क्या करते हैं, क्या प्रोग्राम है। ये भाई पहुंच गए हम लोग यहाँ पे टेहरी डैम में, यहाँ पे देखिए इस तरीके कुछ नज़ारा है, काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, ये लोग ऐसे वो भी झूलते रहते हैं नावों में, यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ है तो कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है इधर। तो भाई अभी हम लोग अपनी कैंपिंग लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ टेहरी डैम से आगे भाई रात होगी, मतलब 6:30 बज गए, अब कौन ही वहाँ पे वो सब करेगा करता हो, तो इसलिए हम तो आ लिए यहाँ पे नीचे जा रहे हैं रिवर साइड। मैंने बोल दिया था इन भाइयों से कि भाई ना तो आज तुमने रिवर राफ्टिंग कर पाई, भाई 2 दिन से गोली दिए जा रहे हैं दोपहर दिए रहने दो, मेरे को उसका ही मजा लेना है, रिवर राफ्टिंग से बेस्ट वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ पे, पर आज करेंगे कैंपिंग रिवर साइड,
तो मैंने कहा भाई आज अगर कैंपिंग करनी है तो जंगल वंगल ना प्रॉपर रिवर साइड करेंगे, जहाँ थोड़ा सा अमेजिंग सा फील आए। तो देखो ये रही अपनी भाई ये रिवर साइड कैंपिंग, और ये आज हम स्कॉर्पियो वगैरह खड़ी करेंगे क्योंकि वहां पे कल सारी फैसिलिटीज थी। मोनू भैया से भी मैं इसी बात पे गुथ रहा था, मोनू भैया आप चश्मा हटा लो, रात अंधेरा हो चुका है बाहर। भाई देखना जगह हो तो ऐसी, यहाँ पे अभी देखो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन आप लोग कहोगे कि भाई यहाँ पे ये लोग कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूँ भाई यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है ये है बोट हाउस। तो यहाँ पे क्या लोग आते हैं गाड़ी पार्क करते हैं और अपना यहाँ पे जो ये बोट्स की देख रहे हो आप लगी हुई, यहाँ से उनको जाते हैं छोड़ने के लिए और वहाँ पे वो टिक जाते हैं। अभी हमारा प्लान है भाई रिवर साइड जाने का यहाँ पे, तो अब देखेंगे भाई कि देखो ये 4x4 ये तो चली जाएगी सुजू, ये भाई अपना रियर व्हील ड्राइव है तो ये बैठ ना जाए कहीं ये दिक्कत होगी। तो फटाफट चलो देखते हैं भाई, ट्राई मारते हैं वहाँ पे पहुँचानी अपनी गाड़ी हमको, तो बैग ही लेके चलते हैं क्योंकि इससे आगे तो जाने से रही। अब ये आनी तू अच्छा लेडीज मतलब कैसे हो गई थी या कैसे? तो रिवर साइड भाई ऐसे कामली बैठे हैं, रात के 11:09 हो रहे हैं, पीछे ब्रिज की लाइट बंद कर दी, बहुत खूबसूरत दिख रहा था, इसमें ये ऐसे लंबे लंबे से बंद कर दिए हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है। और भाइयों कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? तो भाई सबसे तगड़ा है, मैं बताता हूँ मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मेरी टूट गई चप्पल। भाई देखो पैर वेर सारे खराब हो गए क्योंकि हम थोड़ी सी नजदीक चले गए थे जहाँ नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम ओवरलैंडर जो हो गया हमारा साथ ओवरलैंडिंग। वैसे दीपक भाई जगह कौन सी जहाँ पे हम लोग हैं? ये जगह है टिहरी लेक है, ये अपने एशिया की सबसे बड़ा डैम बना हुआ है यहाँ पे जिसकी सिक्योरिटी CISF करती है। ये टेंट लग गया भाई अपना इसुजू के ऊपर, तो इसमें जाके मैं तो रहा हूँ सो। चलो मोनू भाई गुड नाइट, गुड नाइट भाई, सबको बोल दो गुड नाइट। गुड नाइट भाई सभी भाइयों को, बहुत प्यार दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्यार तो इतना मिल रहा है बस पूछो ही मत। चलो भाई बाकी जो हम भाई बातें करते हैं ना मजाक वजाक करते हैं वो भाईचारे में करते हैं। आपको बुरा लगता है कि मोनू भाई लोग लिखते हैं यार एक दो क्या? लोगों को बिहाइंड द कैमरा नहीं पता ना क्या रिलेशन है। नहीं भाई हमारा घर जैसे हम जैसे मस्ती मजाक करते रहते हैं, नहीं करेंगे तो फिर कैसे जिएंगे। बिल्कुल। चलो भाइयों वीडियो देखने आपका धन्यवाद, ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं तो इसमें और अपना सो रहे हैं आज इसुजू के अंदर, और एक्सचेंज हो गया वो सब लोग सो गए अपने स्कॉर्पियो में, और रात के भाई बज रहे हैं कुछ ज़्यादा 12:30, तो उनकी भी प्राइवेसी उनको क्या ही दिखाना। चलो गुड नाइट भाइयों, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।